मंदसौर बीपीएल चौराहे पर कोरोना के तीसरे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संभावना को देखते हुए बांटे मास्क की जांच। मंदसौर बीपीएल चौराहे पर तहसीलदार मुकेश सोनी और कोतवाली पुलिस द्वारा आने जाने वाले लोगों को मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बिना मास्क वालों की आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है। बीपीएल चौराहा पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आरटीपीसीआर जांच की जा रही है, जिसमें 30 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की गई और रोजाना एक स्वास्थ्य विभाग की टीम को 200 से 300 लोगों की जांच करने के लिए लगाया जा रहा है। तहसीलदार मुकेश सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए शनिवार को 11:50 पर बताया कि कोरोना के तीसरे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। जिला अस्पताल में भी पूरी तरह व्यवस्था कर ली गई है और जो लोग शहर में बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें मास्क वितरण किए जा रहे हैं। जिन लोगों का पहला और दूसरा डोज नहीं लगाया है उन लोगों से भी अपील की जा रही है, जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है वह जरूर लगवाएं और गुजरने वाले लोगों की आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है। रोको टोको अभियान के तहत भी लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा है और उनसे मास्क लगाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कुणाल बाघेल द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 200 से 300 लोगों की कोरोना की रोजाना जांच की जा रही है। भीड़ वाले इलाके में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन के साथ मिलकर जांच करने का काम किया जा रहा है। नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा चल रही है उसको लेकर के प्रशासन मुस्तैद है। श्रीमान कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं, जगह जगह हमारे कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिसके तहत हम लोग सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। इसके अलावा रोको टोको अभियान के तहत हम लोग मास्क का वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जांच की जा रही है, जो जांच है वो आरटीपीसीआर के तहत की जा रही है और इसमें हम लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं और अभी तक यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ जो पॉजिटिव हो। हम लोग आने वाले समय के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और तैयार हैं। सर आरटीपीसीआर चल रही है, अभी रेंडम सैंपलिंग कर रहे हैं हम लोग मंदसौर के हर जगह जगह 5-7 इलाके जो ज़्यादा भीड़भाड़ वाले हैं वहाँ पे जा जाके कर रहे हैं ये सब काम। रोज डेली एक एक जगह जाएंगे और 200 से 300 का टारगेट डेली का रहेगा। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए करी जा रही है।